बच्चों, लव यू। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बच्चों, आपके लिए फिर से आपके अपने चैनल द रश्मीज किचन पे लेके आई हूँ एक नई वीडियो, जो मेरे चटोरों के लिए है, चिली पटैटो। ठीक है, बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे चिली पटैटो के। तो मैं कैसे बनाती हूँ चिली पटैटो, बनाने के कई तरह से तरीके होते हैं, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे। मेरे चटोरे बच्चों, आप लोगों की डिमांड रहती है ऐसी चीज़ों के लिए, तो चिली पटैटो के लिए देखो बहुत सारे आलू मैंने यहाँ पे 3 पाव आलू कट कर लिए हैं, क्योंकि अब मैं इतनी देर कट करती आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या संभाल लिया। आलू को कैसे कट करना है, छील लिया हमने और इसकी ऐसे बड़ी बड़ी थोड़ी मोटी थिक काटनी है स्लाइस। मैं आपको एक काट के बता देती हूँ और इसको ऐसे आपने जो है पानी में ही डिप करके रखना है, क्योंकि हमारी बाकी तैयारियों तक नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे और फिर इनका कलर अच्छा नहीं आएगा। और बहुत इजी है, आलू तो घर में आराम से मिलेंगे, है ना। इस तरह से आपने कट कर लेना है। और यहाँ पे मेन जो कोटिंग वगैरह के लिए सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल में मैदा ले रखा है और एक में ये कॉर्नफ्लावर है। चावल का आटा ले सकते हैं, अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं, ईजिली मार्केट में मिल जाता है। यहाँ शिमला मिर्च की थोड़ी सी कटिंग है और लहसुन मैंने छील लिए हैं, एक छोटी सी टुकड़ा अदरक है, हरी मिर्च है और प्याज है। ठीक है, ये कलर फूड कलर है, अगर आप ये ना चाहें डालना तो देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी गर्म कर लिया है, पानी मेरा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बड़ा नमक। नमक डालने के बाद मैंने जो अपने आलू कटिंग करके रखे हुए थे पानी में, आप जब तक और तैयारियां करेंगे तो आलू को बिना पानी के नहीं रखना है, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे। अब मैं इनको आलूओं को इसमें डाल दे रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए हमारे आलू, और इसके अंदर जो मांड टाइप होता है ना वो भी निकल जाए। और 5 मिनट तक इसको एक उबाल आने के बाद मैं रखूँगी और नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करती हूँ तो आपको मैं बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर इसमें उबाल आ गया अच्छे से और जो इसका मांड था ये भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं निकाल लूँगी छानने में निकाल लूँगी। और नीचे मैंने कटोरा लगाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से करना। इसी तरह से मैं सारे निकाल ले रही हूँ। किस तरह से फिर आ गई तू बातें बनाने? गई है, देखो 50 रुपये की लाइट भी लगवाई है। 50 रुपये की लाइट नहीं आती, सबको पता है। फिर बच्चे कहेंगे प्रेरणा मम्मी का काम बिगाड़ती रहती है। अपनी फर्स्ट कोटिंग के लिए रेडी हो गए हैं, हम करते हैं पहले इसमें कोटिंग। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैदा और चावल का आटा आप ले सकते हो, चावल का आटा नहीं है तो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, तो 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर। अब ये जो आलू मेरे मैंने बॉईल करके रख लिया हल्का सा, तो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। मैदे से ना बेटा पानी सारा मैदा सोख लेता है। अब मैं इसको अच्छे से हिला ले रही हूँ क्योंकि गर्म है। आप ठंडे होने का वेट करना बेटा, आलू जो है छन्ने में डाल के छोड़ देना, फर्स्ट कोटिंग हम कर रहे हैं ताकि अच्छे से इसके अंदर मैदा हमारा जो है सारा पानी सोख लेता है और क्रंची हमने बनाने हैं। बहुत ईजी है, घर में आपको ईजीली मिल जाते हैं आलू, और ये चीज़ें घर की ही हैं सारी की, ऐसा नहीं है कि बाज़ार से आपको परचेस करनी पड़ेगी। बेटा कोई भी चीज़ हम बनाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर या फिर चिली पटैटो, तो इनकी भी रेसिपियाँ एक ही रेसिपी नहीं है, कई तरह से बनाते हैं। कई बार हम बिना बॉईल करे भी बना लेते हैं, वैसे भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक कोटिंग के लिए हमने अच्छे से इसको मिला लिया है। चम्मच वगैरह से अगर हम करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे बेटा, कोशिश करना आप ऐसे ही बड़े बर्तन में करके कर लो, या फिर अगर आलू ठंडे होंगे तो आप हाथ से हल्के हल्के कर सकते हो। तब तक ये हो रहे हैं मेरे, तब तक मैं दूसरी कोटिंग के लिए तैयारी कर लेती हूँ। अपनी सेकंड कोटिंग के लिए हमने वही वाला बाउल जो है मैंने प्लेट में वो निकाल दिया। 2 चम्मच मैंने ले लिया है 2 से 2.5 चम्मच मैदा और थोड़ा सा 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के लगभग मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसका मिश्रण बना रही हूँ, घोल रही हूँ मैं इसको अच्छे से। आप हाथ से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, बस इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से आप इसको करो। मुझे अगर आपको ये कम लग रहा है अपने आलू के अकॉर्डिंग तो और भी ले सकते हैं, मुझे भी ये कम लग रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ले रही हूँ
और पानी की मदद से इसका मिश्रण बना रही हूँ। कैसा लिक्विड हमें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इतना थिक हमें चाहिए, देखो आप देख रहे हो मैंने अच्छे से घोल लिया, इसमें एक भी लम्स नहीं है। इतना थिक हमको चाहिए ये बैटर जो हमारा है। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आलू उबालते समय भी हमने नमक डाला था, तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा सा चम्मच नमक। और अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैं बिल्कुल नाम मात्र डाल रही हूँ, हल्का सा फूड कलर, जिससे कि हमारे जो चिली पटेटो उनमें कलर अच्छा आ जाएगा, जैसे बाज़ार में एकदम मिलते हैं। नहीं तो आप देगी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। इसको अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं अब मैंने पैन में पहले ही घी रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। तेल मेरा अच्छे से गर्म होना चाहिए। प्याज की भी यहाँ मैंने कटिंग कर ली है इस टाइप से, शिमला मिर्च की भी कर ली है, यहाँ मेरी हरी मिर्च है, अदरक लहसुन की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये हमारे कोटिंग करे हुए, जो फर्स्ट कोटिंग हुई हुई थी, ये आलू हमारे यहाँ पे मैंने रख लिए हैं। अब मैं इसके अंदर कोटिंग करके दो दो चार चार साइज जो है मैं डालती हूँ। जो बच्चे मेरे मुझे देख के रेसिपीज ट्राई करते हैं, प्लीज़ हाथ बचा के थोड़ा दूर से, तेल हमारा हो चुका है गरम। इसी तरह से कोटिंग करते हुए हमें दो दो एक एक जैसे भी आप डाल सको उसके अंदर डालते जाना है। तो बच्चों 10 मिनट के अंदर फ्राई करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने निकाल लिए थे, बीच में हमारे कैमरामैन गायब हो गए थे किसी काम से। तो इस तरह से मैंने एक एक करके जब आपको दिखाया था मैंने कोटिंग करने के बाद कढ़ाई में डाले थे, अब इनको मैं 5 मिनट ही सिर्फ रखने के बाद इन सबको मैं निकाल ले रही हूँ। हम सेकंड स्टेप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इनको एक बार दोबारा से भी कर सकते हैं। डीप फ्राई इन्हें निकालेंगे तो ज़्यादा क्रंचीनेस आ जाती है इसके अंदर, और कलर देखो कितना अच्छा आ गया इस पर, आप देख ही रहे होंगे। तो ये मैंने निकाल लिए सब यहाँ इस प्लेट में। अब आप देखो ये रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और इनकी आवाज़ देखो, ये इतने कुरकुरे हो गए हैं। लेकिन अगर चाहो तो हम दोबारा भी डीप फ्राई करेंगे, हम भी एक बार करते टाइम। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है दूसरा, और मैं इसको जला रही हूँ, यहाँ पे गैस को ऑन कर रही हूँ, और थोड़ा सा बहुत कम एक चम्मच भर मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। सबसे पहले इसको मैं फैला दे रही हूँ इसमें, और गरम करने के लिए रख देती हूँ यहाँ पे। बेटा अगर आपके घर में तिल हो, या 10 रुपये में इजीली बहुत सारे मिल जाते हैं, वाइट तिल हैं, मैंने ये भी रोस्ट कर लिए, इनसे बहुत अच्छी गार्निश हो जाता है। और इस टाइम अभी सीज़न नहीं है, ग्रीन प्याज जो हमारे मिलते हैं कली वाले लंबे, वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ। जो मैं एक बार फिर से इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ, फ्राई हो चुके थे ये अच्छे से। डीप फ्राई करने से क्या है, इसमें क्रंचीनेस आ जाती है। मैं सब एक साथ ही डाल दे रही हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई जो है बड़ी है। अब ये और क्रंची हो जाएंगे, बहुत ही मतलब क्रिस्पी हो जाएंगे एकदम। आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो इनको। सिर्फ 2 मिनट तक मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ, ये रेडी हैं बिल्कुल। लेकिन इससे क्या होता है ना बच्चों, दोबारा करने से ये क्रिस्पी बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। यहाँ जब तक मैंने इनको डाल दिया डीप फ्राई होने के लिए, ये तेल भी मेरा हो गया है यहाँ पे गर्म। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये लहसुन की कलियाँ जो मैंने काट के रखी थी, और ये जो बारीक कटी हुई अदरक रखी थी थोड़ी सी, ये भी डाल दे रही हूँ मैं, और इन्हें अच्छे से मिला रही हूँ। यहीं पे मैं साथ में इन्हें मिलाते हुए, जब चिली पटेटो है तो चिली तो बहुत ज़रूरी है, ये ग्रीन चिली जो मैंने कटिंग करके रखी हुई थी यहाँ मैं डाल रही हूँ ये, इसको मैं अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद को ज़्यादा जलाना नहीं है, फ्लेम को मैं कम करते हुए यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ ये शिमला मिर्च जो मैंने कटिंग करके धो के रखी थी। मेरा पैन छोटा है, अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप वो भी ले सकते हो, और लोहे की कढ़ाई वगैरह है तो और अच्छी बात है।
इसको मैं अच्छे से इसमें रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ही मेरे ये भी डीप फ्राई हो गए हैं, फ्राइज जो हैं आलू वाले, मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। देखो इनकी आवाज़ देखो बच्चों, इतने क्रंची हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा। पे मेरी कढ़ाई जो है वो पैन जो छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने इसको बड़ी में थोड़ी ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी समय मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये प्याज, मैंने इस तरह से खोल के रख ली थी, आप चाहो तो बारीक भी काट सकते हो इजीली, ऐसे कटिंग करके आप इससे ऐसे खोल के निकाल सकते हो। ये देखो बड़े अच्छे लगते हैं प्याज जब ऐसे आते हैं, चिली पनीर या चिली पटेटो में प्याज मैं ज़्यादा डालती हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा प्याज पसंद करते हैं। अब एक मिनट में इसको भी भून लूँगी और यहाँ पे इसी में मैं डाल दूँगी इस टाइम बच्चों, यहाँ पे प्याज भी हमें ज़्यादा अपनी फ्राई नहीं करनी है, बस थोड़ी सी रोस्ट करनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें आधा सा चम्मच, क्योंकि हमारे जो दोनों कोटिंग थी दोनों का नमक था तो बहुत कम नमक डालूँगी, और सॉसेज में भी हमारे नमक होता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा सा चम्मच नमक, आप अपनी क्वान्टिटी देख लेना बेटे सामान के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब विनेगर, सॉरी सोया सॉस डाल दूँ मैं, इसको अच्छे से मिला दूँगी, गैस में कर दूँगी स्लो। और यहाँ पे वाइट विनेगर भी 2 चम्मच मैं ले ले रही हूँ, क्वांटिटी आप देख लेना, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। ये विनेगर और सोया सॉस की फ्लेवर भी अलग अलग। अब यहाँ पे एक बाउल में मैंने 2 चम्मच लगभग 1.5 चम्मच के लगभग मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है। लो जी नाक में घुसने लग गया पुनीत के, और इसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी सॉसेस भी हो रही हैं बच्चों, आप लोगों को ठीक से दिखता नहीं था इस वजह से कल मैंने यहाँ पे लाइट लगवाई आप लोगों के लिए, ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से दिखे। ये मैंने स्लो करा हुआ है। अब यहाँ पे इसी समय मैं डाल दूँगी नमक, डाले थोड़ी सी कस्तूरी लाल मिर्च, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं कलर के लिए, ताकि कलर आ जाए। और 1 चम्मच चीनी, यहाँ पे अब हमें चाहिए रेड चिली सॉस, लेकिन मेरे पास रेड चिली सॉस नहीं है तो मैं 1 चम्मच शेजवान का यूज़ कर रही हूँ। नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हो, हरी मिर्च डाली है आपने, मैं अच्छे से मिला रही हूँ इसे। और ये जो मैंने तिल रोस्ट करके डाले रखे थे बच्चों, यहाँ पे थोड़े से मैं ये अच्छा दिखने के लिए, भाई बहुत अच्छा दिखता है मार्केट जैसा, तभी दिखता है आपको, तभी आप लोगों को अच्छा लगता है, डाल रही हूँ। अब इसी में मैं साथ में ये जो मैंने चम्मच से मिला के रखा है तो एक साथ हमने नहीं डालना है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाऊंगी। ये देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाऊंगी। अगर हमें ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, अगर हमें कम ग्रेवी रखनी है तो हम कम पानी यूज़ करेंगे। अच्छे से इसका हम सॉस बना लेंगे। देखो ये एकदम ऐसे थिक हो रहा है। यहाँ पे मैंने वो पूरा जो पाउडर आपके सामने डाला था कॉर्नफ्लावर का, वो मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम मैंने अब कर दिया तेज। ये देखो इसकी इतनी थिक हो गई है। अगर बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा कलर और इसका ग्रेसी सा चाहिए तो आपको जो फूड कलर मैंने बताया था आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर मिर्च वगैरह आप ज़्यादा डालोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। मैं ज़्यादा लिक्विड नहीं रखूँगी, आप चाहो तो इसकी लटपटा सा भी बना सकते हो, ग्रेवी वाला भी बना सकते हो। और इसी टाइम यहाँ पे जो मैंने शेजवान डाल दी थी उसको मैं कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसका टेस्ट बना रहे, मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप 1.5 चम्मच। अब इसमें मैं अपने ये फ्राइज डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिला देती हूँ।
अगर आपके पास लोहे वाली कढ़ाई है ना बच्चों, तो और अच्छी बात है। आप इसमें चिली और प्याज जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हो। अगर यहीं पे मेरे पास ग्रीन वाली जो प्याज आती है ना बच्चों, घास जैसी, जिसे आप लोग हरी सब्जियों को तो आप घास ही बताते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। गार्निश करेंगे, बहुत ही सुंदर कलर आता है, बहुत ही सुंदर देखने में भी लगती है और सर्व करने में भी लगती है। तो अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अगर थोड़ा सा कलर और आप चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ये जो हमारे बाकी के बचे हुए तिल थे, थोड़े से और मैं डाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल इसको लटपटा सा बनाया बच्चों, ज़्यादा ग्रेवी मैंने नहीं की है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक चलाने के बाद बच्चों ये हो गए बिल्कुल रेडी। और देखो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, कैमरामैन जी अच्छे लग रहे हैं देखने में कि नहीं? बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, कह रहे हैं। अब खा के पता चलेंगे कैसे लग रहे हैं। अब मैं गैस को कर रही हूँ यहाँ पे बंद। अब इसी के साथ बच्चों बारी आ गई है अपने बच्चों को टेस्ट कराने की। तो यहाँ पे आपके टेस्ट कराने के लिए निकाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा प्लेट में सबसे पहले। बाकी वाले जो हैं बाहर कतार में खड़े हुए हैं कि भाई चिली पटाटो बन गया है, और थोड़ा सा इसको गार्निश करने के लिए मैं तिल मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। अब आओ मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। तो यहाँ पे चिली पटाटो हमारे हो गए हैं तैयार। तो अगर आप लोगों को उसी बारी आ गई है टेस्ट करने की, देखो दीदी ने तो आप लोगों का वेट भी नहीं करा और ये सबसे पहले डाल के ले आई और खाने के लिए स्टार्ट हो गई है। तो बहुत गर्म है तो बच्चों टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं, ट्राई भी करना और बताना कि कैसे बनी है आपकी रेसिपी चिली पटेटो की। तो बच्चों इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे एंड, और नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी आपको। बच्चों कई बार एक दो दिन बीच में स्किप हो जाता है क्योंकि आपको पता है मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। तो फिर से वही बात बोलनी है कशिश जी, थोड़ा सा आप कर रहे हैं अपने बच्चों को। आपके भी बच्चे क्या बात कर, क्या है तुम्हारे दोस्त है ना, फ्रेंड फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स को कशिश करेगी आज हमारे लिए रिक्वेस्ट। बोलो क्या रिक्वेस्ट। अरे क्या बोलना है, ब्लॉग के एंड में जो बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ नहीं तो बोल सकती हैं गाइस, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, फटाफट से वीडियो शेयर करते रहा करो और बताते रहा करो कमेंट में कि आपको कैसा लगता है ये सब, कैसा लगता है सब, तुम्हें कैसा लगता है तुम बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे बनेगा ये बताओ गाइस, मस्त मस्त बनेगा जी। कशिश तो रुकी नहीं सकती है, मम्मी शरारती दीदी आई हुई है उनसे भी पूछ लेते। तो बच्चों आज देखो कोई भी वेट नहीं करा किसी ने भी, भाई दीदी बेचारी बैठी है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। खाओ सुने खाओ तैयार होके बैठी है वो चिली पटेटो खाने के लिए। कैसा बना सर, बोलिए ईमानदारी से। मेरी नोना बेचारी देख रही है कि काश मैं भी खा लेती। नोना बच्चे तू भी खा लेगी जल्दी जल्दी। तो आज भाई कैमरामैन हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं, तो कैमरामैन के भी रिव्यू ले खिला दिए मैंने उसको भी। नहीं मैं तो ले लूँ तो कैमरामैन हमेशा ऐसा, बाद में तो दही तोड़ता ही है। कैमरामैन जी बताएंगे कैसे बने हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपके पास मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए। और नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए आपको वो भी कमेंट करके बताना। बाय बाय, लव यू।